नमस्कार। जीवन में जब भी कभी भगवान से कुछ मांगना हो ना, तो एक चीज अवश्य मांगे। सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने हमें इस मनुष्य जीवन में पैदा किया। इस मनुष्य जीवन में पैदा होना इस संसार की सबसे बड़ी बरकत माना जाता है। जब कभी पता है आपको, जब कभी जीवन में एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो आप भगवान से क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरे इस को ठीक कर देना। हे प्रभु, मेरी ये समस्या दूर कर देना। और जब भगवान वो समस्या दूर करते भी हैं और आप भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या कभी आप ऐसा करते हैं जब आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, जब आपके जीवन में जो आप नहीं चाहते हो वो आपको मिल जाता है, तो आप भगवान को क्या कहते हो? हे भगवान, तूने ये क्या किया? भगवान को भला बुरा कहते हो। बहुत से जने तो भगवान को गाली भी निकाल देते हैं। लेकिन क्या आप भगवान को ये कहते हो कि जो किया, जो अच्छा किया? हो सकता है मेरे लिए भगवान आपने कुछ अच्छा सोचा हो आगे, कभी ये कहा है आपने? नहीं, आप उल्टा और भगवान को ही दोष देते हो। ऐसा क्यों? जब हम प्रभु से जीवन में हर छोटी मोटी चीजें मांगते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, जिसने मुझे पा लिया उसने सर्वोच्च पा लिया। कभी भगवान से आपने स्वयं भगवान को मांगा है? जीवन में कुछ मांगना हो तो मेरी एक बात जीवन में याद रखें, स्वयं भगवान को मांगे। और जिस दिन आपने स्वयं भगवान को मांगना शुरू कर दिया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। आप छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, हे प्रभु मेरे को पास कर देना, हे प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा चलाना, हे प्रभु मेरे परिवार में शांति लाना। ये क्या है? ये छोटी मोटी चीजें आप भगवान से मांगते रहते हो। आप स्वयं भगवान को मांगिए और हे प्रभु मेरे साथ रहना और सब कुछ अच्छा करना। जब भगवान आपके साथ में होंगे ना, तो आपके साथ में कभी गलत नहीं होगा। आपने महाभारत देखी होगी, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास में जाते हैं, क्योंकि दोनों भगवान श्री कृष्ण के समधी होते हैं। दोनों भगवान से कुछ न कुछ सहायता मांगने जाते हैं, लेकिन दोनों मांगते हैं, दुर्योधन मांगता है भगवान श्री कृष्ण उनकी सेना, और अर्जुन मांगता है स्वयं भगवान को। आपको पता है ऐसा क्यों? अर्जुन भगवान को क्यों मांगता है और दुर्योधन भगवान की सेना क्यों मांगता है? दुर्योधन मन ही मन खुश रहता है, अरे यार मैंने तो भगवान की सेना मांग ली है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेना है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है। और स्वयं अर्जुन ने भगवान को स्वयं को मांग लिया। अर्जुन को पता था कि जिस तरफ भगवान रहेंगे ना, उस तरफ कभी भी हार नहीं आ सकती है। दुर्योधन मन ही मन खुश होता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके साथ भगवान नहीं है। उसको पता नहीं, उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और अर्जुन के पास में भगवान होते हैं, उनके साथ में भगवान होते हैं, तो उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। भगवान का साथ होने का मतलब यह नहीं होता कि सारा काम आपका सिर्फ भगवान ही कर देंगे। नो, नेवर। भगवान का साथ होने का मतलब यह होता है कि भगवान आपको एक ताकत, एक साहस देते हैं विपत्तियों से लड़ने का। जब आप किसी विपत्ति में फंस जाते हो ना, और जब आप सोचते हो कि भगवान मेरे साथ है ना, तब दुनिया की कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं ना, तो विपत्तियों से लड़ने का एक आध्यात्मिक साहस देते हैं अपन को, एक अंदर से आंतरिक ऊर्जा होती है अपने अंदर किसी विपत्ति से लड़ने के लिए। यह एक एहसास होता है भगवान का साथ होने का। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें, जब भी भगवान से कुछ मांगना होना, जब भी आप भगवान से कुछ मांगे, तो स्वयं भगवान को मांगे। ये ऐसी छोटी मोटी सांसारिक चीजें भगवान से ना मांगे, क्योंकि स्वयं अगर भगवान आपके साथ होंगे ना, तो दूसरी सारी चीजें तो ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएगी। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपके पास में है। इस संसार में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, मेरे हिसाब से 100 में से 10% ऐसे होंगे जो स्वयं भगवान को मांगते होंगे।
आपको पता होगा 90% लोग ऐसे होंगे जो भगवान से छोटी मोटी चीजें, इस सांसारिक जीवन की जो छोटी मोटी चीजें वो मांगते रहते हैं, वो कभी स्वयं भगवान को नहीं मांगते। इसलिए जब भी कभी आपको जीवन में कुछ मांगना होना तो स्वयं भगवान से, भगवान को मांगे, आपके जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।